पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया, झारखंड में कोशिश कर ली लेकिन बंगाल ने हरा दिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी, बंगाल को तोड़ने के लिए पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा दावा, टीएमसी के 21 विधायक बीजेपी के संपर्क में, 38 विधायकों से हमारे अच्छे संबंध है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा बीजेपी के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, बंगाल में बीजेपी जनाधार खो रही है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने मिथुन के बयान को बताया हसीन सपने, का अभिनेता और कलाकार बहुत सपने देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के 24 निलंबित सांसद 50 घंटे तक धरने पर बैठे, गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन। टीएमसी सांसद सुष्मिता डे बोली यही खाएंगे सोएंगे, लेकिन महंगाई पर बहस होने तक सरकार को आराम नहीं करने देंगे। आप सांसद संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंड, नारे लगाने और कागज फाड़ने का आरोप। संजय सिंह ने सदन दोबारा शुरू होने पर हंगामा किया, गुजरात शराब कांड को उठाते रहे। संजय सिंह ने कहा पीएम और गृहमंत्री दोनों गुजरात से हैं, गुजरात में शराबबंदी के बाद भी शराब कहां से आई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सांसदों को सस्पेंड करके विपक्ष की आवाज बंद की जा रही है। राज्यसभा के सूत्रों के मुताबिक जब तक सांसद माफी नहीं मांगेंगे निलंबन वापस नहीं होगा। तीसरे दिन ईडी के सामने पेश हुई सोनिया गांधी, 3 घंटे तक हुई पूछताछ। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर फिर उतरी कांग्रेस, दिल्ली में विजय चौक पर धरना दिया, मुंबई में ट्रेन रोकी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का तंज, सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर वार, शहजादे का हुआ हुकुम, देश छोड़ परिवार की वफादारी करो। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, बस अशांति फैलाना काम है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला में अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया वाले घर से भी बड़ी मात्रा में कैश जब्त, प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले। अर्पिता के घर नोट गिनने वाली मशीन के साथ पहुंचे बैंक अधिकारी, बड़े पैमाने पर मिला कैश। कोलकाता में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से ईडी की पूछताछ, एसएससी घोटाले में सवाल जवाब। ईडी ने माणिक भट्टाचार्य के घर की भी तलाशी ली, 269 लोगों के नाम वाली सीडी बरामद। 24 नॉर्थ परगना के खारधा में शिक्षा घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, पार्थ चैटर्जी का मुखौटा पहनकर निकाला मार्च। ममता बनर्जी ने कहा 2024 में केंद्र में बीजेपी नहीं आएगी, इसलिए पुराना घर यानी संसद तोड़कर नया घर बना रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल होने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा जब मामला कोर्ट में आएगा तब देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल पर आईटी की रेड, गुरुग्राम फरीदाबाद समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा। कानून मंत्री ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को बरकरार रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा पीएमएलए और ईडी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चिंताजनक। बीजेपी नेता सुशील मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी और सरकार कड़ी कार्रवाई कर पाए। संजय राउत का तंज, शिंदे खुद को शिवसेना का सीएम कहते हैं लेकिन पहले कभी शिवसेना का सीएम दिल्ली के आगे नहीं झुका। दीपक केसरकर ने कहा उद्धव ठाकरे ने हमें पुराने पत्ते कहा, पुराने पत्तों की छाव में ही वो बने थे सीएम। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने कहा पंचायत चुनावों में मिली बंपर जीत ये बताती है कि जनता की पहली पसंद बीजेपी है। कांवड़ियों पर फूलों की बारिश से ओवैसी को दिक्कत, कहा एक के लिए मोहब्बत दूसरे के लिए नफरत क्यों। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर मत तोड़िए। ओवैसी पर अश्विनी चौबे का जवाब, कांवड़ियों पर फूल नहीं बरसाएं तो क्या आतंकवादियों पर बरसाएं। ओवैसी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कहा जहर उगलना है ओवैसी का काम। एमपी के गृहमंत्री ने भी ओवैसी को जवाब दिया, पत्थर बरसाने वालों पर कुछ नहीं कहा, फूल बरसाने वालों से दिक्कत क्यों। बीबीएनएल और बीएसएनएल के विलय को कैबिनेट की मंजूरी मिली, कैबिनेट से 1,64,000 करोड़ के पैकेज की मंजूरी। दूरदराज के गांव में 4G मोबाइल सेवाओं को कैबिनेट की मंजूरी, 6,000 से ज्यादा गांवों को 4G में अपग्रेड किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा बरकरार रखने के लिए सीआरपीएफ की सराहना की। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर दूरसंचार मंत्री ने कहा अब तक 1,49,000 करोड़ की बोली लगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा अमरनाथ में अचानक आई बाढ़ में 15 लोगों की मौत हुई। नित्यानंद राय ने जानकारी दी 2022 के दौरान कोई भी कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर नहीं गया। रेलवे भर्ती घोटाला मामले में लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव गिरफ्तार, बिहार में 4 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। बिहार में 4 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा, भोला यादव के सीए के साथ साथ पटना और दरभंगा में भी छापे। लालू यादव के ओएसडी पर सीबीआई का बयान, रेलवे भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर भोला यादव से हो रही है पूछताछ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान, गणेश उत्सव और दही हांडी को लेकर मार्च 2022 तक के सभी मामले वापस लिए जाएंगे। बीजेडी सांसद अमर पटनायक ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र, प्रवासी भारतीय छात्रों के वीजा संकट दूर करने की अपील। स्पाइसजेट पर डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई, 50% उड़ानों पर 8 हफ्ते के लिए रोक लगाई। संघ और बीएचपी के दिल्ली कार्यालयों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हिरासत के लिए आरोपी
से पूछताछ की। कांगो में मारे गए बीएसएफ के दो भारतीय शांति सैनिक, संयुक्त राष्ट्र ने गहरा दुख जताया, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या पर खुलासा, 29 जून को कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में लिखी थी फेसबुक पोस्ट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आशंका जताई, प्रवीण की हत्या में एसडीपीआई पीएफआई का हाथ। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने प्रवीण की हत्या की एनआईए से जांच की मांग की, अमित शाह को चिट्ठी लिखी। प्रवीण की हत्या के विरोध में कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। कर्नाटक के सीएम ने प्रवीण की हत्या को बताया बर्बरतापूर्ण, कहा अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रवीण मर्डर केस में बनाई गई 6 स्पेशल टीमें, अब तक 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा, राज्य से जिहादी तत्वों को बाहर निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद लेंगे। प्रवीण की पत्नी का बयान, मुझे नहीं पता मेरे पति को क्यों मारा, जल्द इंसाफ की मांग की। प्रवीण की मौत पर ईडीजीपी का बयान, शुक्रवार तक बिल्लारे में एहतियातन धारा 144। आतंकी यासीन मलिक दिल्ली में आरएमएल अस्पताल में भर्ती हुआ, 22 जुलाई से भूख हड़ताल पर था। दिल्ली में एक वकील को जान से मारने की धमकी, विनीत जिंदल को धमकी भरी चिट्ठी, कहा कई बार मिल चुकी है धमकी। सहारनपुर में एक मुस्लिम युवक को कावड़ियों की सेवा करना भारी पड़ा, कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से किया हमला। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में मिले 21 क्रूड बम, एक बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाया, इलाज के दौरान तीनों की मौत। दिल्ली के एलजी ने विधानसभा के स्पीकर से पूछा, जीएनसीटीटी एक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्योगपति रतन टाटा से की मुलाकात, घर पर जाकर मिले। केंद्र सरकार की योजनाओं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा महीने में 2 बार करेंगे समीक्षा। गुजरात शराब कांड में 41 लोगों का अस्पताल में हो रहा इलाज, 3 की हालत गंभीर। जहरीली शराब मामले पर गुजरात के गृहमंत्री ने कहा, पुलिस ने इस घटना से जुड़े आरोपियों को सिर्फ 2 दिनों में पकड़ लिया। गुजरात के वलसाड में बर्थडे पर हुई शराब पार्टी, 1 सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिस कांस्टेबल समेत 19 गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में 5 पैकेट हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस सीआईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन। आगरा में एक दुकान से 40 लाख लूटकर भागे बदमाश, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 7 में से 5 आरोपियों को पकड़ा। लखनऊ में डीजीपी ने पुलिस कांस्टेबलों को किया सम्मानित, राप्ती नदी में डूब रहे कांवड़ियों को बचाया था। वाराणसी में एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 530 ग्राम गोल्ड, शारजाह से लौटे यात्री ने जुराब में छिपा रखा था सोना। बिहार के कटिहार में 100 से ज्यादा स्कूल रविवार की बजाय शुक्रवार को रहते हैं बंद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने जानकारी दी। भागलपुर के 2 समुदायों के बीच चोरी के मामले को लेकर हुई जमकर मारपीट, कुरियर बॉय पर चोरी का माल बेचने का आरोप। नोएडा में एनकाउंटर के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस हिरासत से भागने के दौरान लगी गोली। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार के गंगा घाटों पर लगा गंदगी का अंबार, नगर निगम की टीम सफाई अभियान में जुटी। हरिद्वार के डीएम ने कहा, जहां 4 करोड़ लोग आएंगे वहां थोड़ी बहुत गंदगी तो होगी, अगले 48 घंटे में पूरी तरह साफ हो जाएंगे घाट। एमपी के खंडवा में पेड़ से लटकी मिली 3 बहनों की लाश, जांच में जुटी पुलिस। अब नोएडा में मिला मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध केस, जांच के लिए लखनऊ भेजा गया सैंपल। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट, कोविड अस्पतालों के लिए बेड आरक्षित। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मंकी पॉक्स को लेकर कोविड अस्पतालों में 10-10 बेड आरक्षित किए गए। मंकी पॉक्स पर महाराष्ट्र सरकार का फोकस, सीएम शिंदे बोले जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए। चीन की वुहान सी फूड मार्केट से फैला कोरोना वायरस, स्टडी से हुआ खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, आइसोलेशन से बाहर आए। जोधपुर में बारिश के बाद आई बाढ़, तेज बहाव के कारण पुलिया से बही बस। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट, विदिशा सीहोर चंबल समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट। हैदराबाद के चदर घाट इलाके में बारिश से हालात खराब, लोगों के घरों में पानी घुसा। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बाढ़ से 3 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान, 6 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित। तमिलनाडु के तेनकासी में बाढ़ में बहे 4 लोग, 2 लोगों की हुई मौत, 2 को बचाया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा ऐलान, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और ओलंपिक में भारतीय एथलीट्स का करेंगे सपोर्ट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे कमजोर हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 79.90 रुपए। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 547 और निफ्टी में 157 अंकों की बढ़त। आईसीसी ने जारी की ओडीआई रैंकिंग, शिखर धवन 13वें और श्रेयस अय्यर 54वें स्थान पर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत में भी एंटी डोपिंग कानून लागू होगा। भारतीय ओलंपिक संघ का बड़ा ऐलान, पीवी सिंधु 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत का तिरंगा थामेंगी और फिर से रिया कपूर के साथ काम करेंगी करीना कपूर, जल्द होगा फिल्म के नाम का खुलासा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।